नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 23 मार्च। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजद के लगाए पोस्टर को लेकर शुरू हुआ बवाल। बिहार में और बढ़ेगी गर्मी। कोरोना के बढ़ते केस का असर अब 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम पर। होली के बाद बिहार के आम लोगों के लिए बढ़ेंगी सुविधाएं। बिहार के लॉ कॉलेज में नामांकन पर लगी रोक। अब बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री समेत वरिष्ठ नेताओं ने दिया बिहार के नाम संदेश। बीते दिन बिहार के स्थापना दिवस के मौके पर बिहारवासियों के नाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फागू चौहान समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने अपना संदेश जारी किया था, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार का इतिहास गौरवशाली है और हम वर्तमान में अपने निश्चय से बिहार का गौरवशाली भविष्य तैयार कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल ने समस्त राज्यवासियों से बिहार की समग्र प्रगति के साथ साथ दृढ़ संकल्पित होकर राष्ट्रीय नवनिर्माण में भी अपनी महती भूमिका निभाने का अनुरोध किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि बिहार दिवस के राज्य के सभी निवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC शिमला ने निकाले रख दिया। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज IGMC शिमला ने सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर पद के लिए कुल मिलाकर 227 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक अनुशासन में DNB, MS, MD, PG डिप्लोमा, MDS, DNB में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 5 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.igmcshimla.edu.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। समस्तीपुर के विष्णुधाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिले के समास गांव में स्थित विष्णुधाम मंदिर में भगवान विष्णु की 1100 वर्ष पुरानी अद्भुत मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति 7.5 फीट ऊंची जबकि 3.5 फीट चौड़ी है। भगवान विष्णु की यह काले पत्थर में बनी मूर्ति खड़ी अवस्था में है और इनमें 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। इतिहासकारों का मानना है कि मूर्ति पर जिस तरह की लिपि लिखी गई है उसमें उत्तर भारत से मिलने का प्रमाण 9वीं सदी के बाद का है। इस मूर्ति में एक और खासियत यह है कि मूर्ति पर मूर्तिकार का नाम सीतदेव भी उकेरा गया है। होली के बाद बिहार के आम लोगों के लिए बढ़ेगी सुविधाएं। आने वाले समय में बिहारवासियों को बिहार सरकार की तरफ से कई सारे सौगात मिलने वाले हैं, जिसके तहत होली के बाद से यानी कि 1 अप्रैल से रजिस्ट्री के साथ ही मकान, दुकान, फ्लैट, जमीन का दाखिल खारिज अपने आप हो जाएगा। इसके साथ ही 1 मई से सभी थाने ऑनलाइन हो जाएंगे, जिसमें लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। साथ ही गंगा नदी पर 3 और कर्मनाशा नदी पर 1 पुल भी चालू हो जाएगा, जिससे आम लोगों को आवागमन की सुचारू व्यवस्था मिलेगी। बिहार में सूरज के तेवर दिखे तल्ख। जहां बीते 2 दिनों में बादल छाने के कारण धूप की तपिश से लोगों को राहत मिली थी, वहीं गर्मी ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत बीते दिन कई जिलों का पारा 36 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसमविदों की माने तो अभी फिलहाल मौसम में विशेष बदलाव की स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश की तरफ से प्रति चक्रवात की स्थिति बनी हुई है, साथ ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से सूबे में नमी का प्रवाह भी आंशिक रूप से हो रहा है। मौसमविदों के मुताबिक अभी राज्य में गर्मी की सामान्य स्थिति बनी रहेगी। ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण करेगी बिहार सरकार। शहरों की तर्ज पर अब बिहार के ग्रामीण इलाकों के भी सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों में भी गाड़ियों की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है। ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए अब ग्रामीण सड़कों का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले सड़कों पर ट्रैफिक की वर्तमान स्थिति का सर्वे कराया जाएगा। इस बाबत ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने अपना बयान जारी करते हुए कहा था कि ट्रैफिक गणना के आधार पर ही सड़कों को बेहतर करने के लिए DPR बनाई जाएगी। भारत नेपाल सीमा सड़क के बन जाने से बिहार के ये जिले होंगे लाभान्वित। बिहार में भारत नेपाल के समानांतर 2 लेन सड़क अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। यह सड़क पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले से होकर गुजरने वाली है, जिसके बाद यह सड़क सामरिक और यातायात को लेकर बेहद ही अहम मानी जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने इस परियोजना का 10 जनवरी 2019 को हवाई सर्वेक्षण और 22 जनवरी 2019 को समीक्षा के बाद मार्च 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं 31 दिसंबर 2021 तक करीब 230 किलोमीटर की लंबाई में सड़क का निर्माण पूरा कर इस पर आवागमन शुरू करने की संभावना है। शहद उत्पादन के लिए अब बिहार सरकार देगी अनुदान। रोजगार को लेकर हर बार घिरती आई बिहार सरकार ने अब रोजगार के अवसर मुहैया करवाने की पहल शुरू कर दी है। इसके साथ ही सरकार अब लोग से खुद अपना व्यापार करें इसको लेकर भी लगातार काम कर रही है।
यही कारण है कि बिहार सरकार अलग अलग योजनाओं को लेकर समय समय पर अनुदान देने का भी काम करती रही है। इसी क्रम में अब बिहार सरकार ने बिहार में शहद उत्पादन के लिए 75-90% अनुदान देने की बात कही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य में 80,000 किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए हनी बॉक्स देने का लक्ष्य था, जिसमें लगभग 90% दिए जा चुके हैं। सामान्य किसानों को 75% और SC/ST किसानों को 90% अनुदान दिया जा रहा है। योजना में इस साल बदलाव किया गया है कि किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए बॉक्स की गड़बड़ी रोकने के लिए QR कोड बॉक्स पर लगाने का प्रावधान भी किया जा रहा है। परीक्षा हॉल में अनोखे अंदाज में चोरी करते पकड़ा गया छात्र। कोरोना को लेकर बिहार सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। ऐसे में सरकार लोगों से मास्क पहनने और एहतियात बरतने की भी अपील कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शातिर इसे एक मौके के रूप में भुनाने में लगे हुए हैं। जिले के पानापुर धर्मपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान एक शातिर परीक्षार्थी के कारनामे की पोल खोलते ही परीक्षा केंद्र पर सभी भौचक्के रह गए। परीक्षा में चोरी के लिए एक शातिर परीक्षार्थी मास्क को ही मोबाइल बनाकर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहा था, तभी पकड़ा गया। परीक्षा के दौरान उस छात्र परीक्षार्थी ने इसका फायदा उठाते हुए मास्क को ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में तब्दील कर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया और मास्क में लगे डिवाइस के सहारे नकल कर रहा था। मैट्रिक परीक्षा के आंसर की हुई जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने साल 2021 की इंटर और मैट्रिक परीक्षा का परिणाम रिकॉर्ड समय में जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोर शोर से जारी है, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि परीक्षा के परिणाम की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी, जिसके बाद अब बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर जारी कर दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षार्थी और अभिभावक इसे बिहार बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं और गलती की स्थिति में आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। आपको बता दें, हाल ही में आयोजित हुए मैट्रिक की परीक्षा में 50% प्रश्न वस्तुनिष्ठ से ही पूछे गए थे। केंद्र सरकार ने बिजली को लेकर बिहार सरकार को दिया विशेष टास्क। बिजली ट्रांसमिशन लॉस को लेकर के केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से इस लॉस को 12-15% तक लाने का काम सौंपा है। इसको लेकर बिहार का अपना रोडमैप भी अब तैयार करना होगा। इसको लेकर हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय विद्युत सचिव ने सभी राज्यों के साथ बिजली प्रक्षेत्र में सुधार और भावी योजनाओं को लेकर विस्तार से विचार विमर्श शुरू किया। इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और फीडरों की मीटरिंग के साथ साथ राज्य विशेष की जरूरतों के आधार पर आवश्यक योजनाएं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हानि, बिजली चोरी में कमी लाने से संबंधित कार्य किया जाना है। पहली बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ हुई खादी की खरीदारी। बिहार दिवस और होली को लेकर के आम नागरिकों को खादी के वस्त्रों में दिए जा रहे ऑफर अब रंग लाने लगे हैं। खादी के कपड़ों में मिल रहे डिस्काउंट के बाद लंबे समय बाद ही सही या यूं कहे पहली बार रिकॉर्ड खरीदारी दर्ज की गई है, जिसके तहत पटना के खादी मॉल में पहली बार सबसे अधिक 15,85,000 रुपए की खादी वस्त्रों की बिक्री हुई। लोगों ने छुट्टी के दिन जमकर कुर्ता पजामा साड़ी आदि की खरीदारी की। बिहार राज्य खादी बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने बताया है कि होली और बिहार दिवस के अवसर पर शहरवासियों को खादी मॉल में खादी वस्त्रों पर 30% की छूट दी गई है। बाढ़ बिजली घर के बन जाने से बिहार को मिलेगी पर्याप्त बिजली। बिहारवासियों को बिजली की परेशानी से जल्द ही निजात मिल सकता है, क्योंकि बिहार को अब लगभग 396 मेगावाट बिजली मिलने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार बाढ़ बिजली घर के स्टेज एक की पहली यूनिट को ट्रायल में चलाया जा रहा है, जिसे जल्द ही बिजली मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सितंबर में बिजली घर बनकर तैयार हुआ और कई चरणों में इसका ट्रायल सफल हो गया है। इस यूनिट को 27 सितंबर को सफलतापूर्वक चालू किया गया था। इसे ग्रिड से भी जोड़ा गया, 72 घंटे तक पूर्ण लोड पर चलाया गया। TPC बिजली घर का बीच बीच में ट्रायल कर रहा है। ना हेलमेट के पीछे बैठने पर भी देना होगा फाइन। नियमों का पालन नहीं करने वाले लोग हो जाए सावधान। ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बार फिर से बिहार में वाहन चेकिंग मुहिम की शुरुआत होने वाली है। इतना ही नहीं, अब जो गाड़ी चलाएंगे और उनके साथ जो पीछे बैठेंगे, उन दोनों को नियमों का पालन करना होगा, जिसके तहत अब पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट लगाना होगा। ट्रैफिक SP अमरकेश दारपिनेनी के अनुसार शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहे पर यह अभियान चलाया जाएगा। वहां पर ट्रैफिक पुलिस के अफसर और जवान मुश्तैदी से नियमों का पालन नहीं करने वालों को पकड़ेंगे। इसके साथ ही ट्रिपल लोडिंग करने वाले, बगैर सीट बेल्ट के चलाने वाले और गलत तरीके से पार्किंग करने वालों पर भी खास नजर रहेगी, जिसके तहत 25 मार्च से पूरी राजधानी में विशेष तौर पर जांच अभियान चलाने की घोषणा कर दी गई है, जो कम से कम 10 दिनों तक जारी रहेगी। महाराष्ट्र के हिरेन मामले में सुर्खियों में आए बिहार कैडर के IPS अधिकारी। बिहार कैडर के 2006 बैच के IPS अधिकारी शिवदीप वामन राव लांडे ने महाराष्ट्र के हाई प्रोफाइल मनसुख हिरेन केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। लांडे इस केस को लेकर एक बार फिर से बिहार के बाहर अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में चर्चा में है। बता दें कि लांडे इस समय महाराष्ट्र ATS के DIG के तौर पर काम कर रहे हैं। लांडे कुछ साल पहले ही बिहार
से महाराष्ट्र प्रतिनियुक्ति पर गए थे। शिवदीप लांडे ने रविवार को सोशल साइट्स पर एक पोस्ट कर दावा किया है कि हिरेन केस की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। पटना के सिटी एसपी रहते हुए भी लांडे ने अपराधियों और काले धंधे में शामिल लोगों के लिए खौफ का पर्याय बन गए थे। भवन निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर की बहाली के लिए नियमावली हुई तैयार। भवन निर्माण विभाग इन दिनों इंजीनियरों की बहाली को लेकर विशेष तैयारी कर रहा है। इसको लेकर हाल ही में इंजीनियर की नियुक्ति के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। बिहार भवन निर्माण अवर अभियंत्रण संवर्ग भर्ती एवं सेवा नियमावली के तहत जूनियर इंजीनियरों की सीधी भर्ती बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पैनल के माध्यम से करवाई जाएगी, जिसके तहत अब हर साल 1 अप्रैल को रिक्तियों की गणना की जाएगी और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को 30 अप्रैल तक नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम निगम निकाय प्राधिकार स्वशासी निकाय में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का अनुभव रखने वालों को अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। राजद के लगाए पोस्टर को लेकर शुरू हुआ बवाल। एक बार फिर से बिहार में पोस्टर का खेल शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत इस बार राजद ने खुद की है, जिसके तहत राजद ने हाल ही में आज विधानसभा का घेराव करने से पहले ही बीते दिन कई जगहों पर पोस्टर लगाने का काम किया था, जिसमें महाभारत के धृतराष्ट्र की तर्ज पर नीतीश कुमार को धृतराष्ट्र और डिप्टी सीएम रेणु देवी को गंधारी के रूप में उनकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए दर्शाया गया है, जिसके बाद ही बवाल शुरू हो गया है, जिसके तहत जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हम ऐसी ही उम्मीद कर सकते हैं, इन्हें तो लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है, इनका भरोसा लूटतंत्र पर है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से मानी जाती है। पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर पर 1357 में लॉर्ड क्लाइव ने फ्रांसिसियो को हराकर आज ही के दिन कब्जा किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1940 में मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की पहली कंपनी को 1986 में प्रशिक्षित आज के दिन किया गया था। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक का कीर्तिमान बनाने वाले पहले क्रिकेटर आज के दिन बने थे। हिंदी फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत का 1987 में जन्म आज के दिन हुआ था। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रख्यात समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का 1910 में आज के दिन जन्म हुआ था। भारतीय क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी हेमू कालानी का 1923 में जन्म आज के दिन हुआ था। आज के दिन को शहीद दिवस विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कोरोना के बढ़ते केस का असर अब 10वीं और 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम पर। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से चिंता में आ गया है। वहीं अब कोरोना के बढ़ते मामलों का असर छात्रों के जीवन पर भी पड़ने वाला है, जिसके तहत कई राज्यों में बढ़ रहे मामलों को देखते हुए ही सीबीएसई ने सभी स्कूल को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है। बोर्ड ने साफ कहा है कि सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए ही स्कूल स्टूडेंट्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित करेगा, जिसके तहत ही सीबीएसई ने स्कूल को प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स का एक बैच को 2 सब ग्रुप में बांटकर प्रैक्टिकल लेने को कहा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके। ईपीएफओ से जुड़ी सारी परेशानियों का हल अब व्हाट्सएप की मदद से। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने ग्राहकों की शिकायतों का निष्पादन के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसके जरिए ईपीएफओ खाताधारक अपनी शिकायत को ईपीएफओ तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इस नई सुविधा की मदद से ग्राहकों को ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ सीधी बातचीत की सुविधा भी देखने को मिलती है। इस बात की जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अपर केंद्रीय आयुक्त राजीव भट्टाचार्य ने दी। उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध है, जिसके तहत अब आप भी 7000404219 8982991910 या फिर 6204358536 पर कॉल करके ईपीएफओ से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। देश भर में 3 करोड़ से ज्यादा रद्द राशन कार्ड को दोबारा बहाल करने की उठी मांग। हाल ही में राज्यसभा में राज्य सांसद मनोज झा ने राशन कार्ड को कैंसिल करने का मुद्दा उठाया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में बहुत ही चिंताजनक खबर आई है। 3 करोड़ से अधिक राशन कार्ड कैंसिल किए गए हैं, जिसके कारण ही आधार से लिंक नहीं होना बताया गया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहती है, इस कारण आधार से लिंक नहीं हो पाया होगा। राशन कार्ड कैंसिल होने से कई जगह से भुखमरी की भी खबर आई है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि तकनीकी दिक्कतों को खारिज करते हुए 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड जो कैंसिल किए गए हैं उसको बहाल किया जाए। जहीर खान ने भारतीय टीम के साइलेंट हीरो का बताया नाम। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। वहीं सीरीज की जीत के साथ ही भारतीय टीम के खिलाड़ियों की भी खूब चर्चा हो रही है, जिसके तहत ही हाल ही में भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी जहीर खान ने भी भारतीय टीम के साइलेंट हीरो को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि शार्दुल ठाकुर, अगर आपने नोटिस किया हो, इस इंडियन क्रिकेट टीम में कई बड़े नाम हैं, कई आकर्षक खिलाड़ी हैं, इन सबके बीच इस खिलाड़ी ने अपने काम को बेहद शांति के साथ किया है। यह सीरीज के हीरो रहे हैं, उनके आंकड़े किसी भी टॉप प्लेयर जितने शानदार है।
सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बेशक आज दुनिया में नहीं हो, लेकिन आज भी उनकी यादें उनके फैंस के दिलों में जिंदा है। वहीं आज अभिनेता की फिल्म छिछोरे को बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। कंगना रनौत को मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। मनोज बाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसके साथ ही फिल्म केसरी के लिए बी प्राक को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। धनुष को फिल्म असुरन के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। ये फिल्म तमिल में आई थी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,800 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 44,800 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 66,600 रुपए दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 93.52 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई। वहीं डीजल 86.32 रुपए प्रति लीटर रहा। शनाया कपूर के डेब्यू की घोषणा के लिए ट्रोल हुए करण जौहर। संजय कपूर की बेटी और जानवी कपूर की चचेरी बहन बॉलीवुड डेब्यू कर रही है। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर इस बारे में अनाउंसमेंट किया। करण ने शनाया के कुछ ग्लैमरस तस्वीर और वीडियोस भी पोस्ट किए। उन्होंने बताया कि शनाया धर्मा मूवीज से डेब्यू कर रही है। इस पोस्ट पर करण जौहर को जमकर ट्रोल किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ लोगों ने लिखा है कि कभी तो बॉलीवुड से बाहर भी लोगों को चांस दे दो। एक और यूजर ने लिखा है कि अगर टैलेंटेड है तो क्यों नहीं, लेकिन यह तो एक और बार्बी डॉल जैसी लड़की लग रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है साहिल कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, गोपी गुप्ता, दिव्यांशु कुमारी, राजू कुमार, संतोष कुमार, अनुज भारती, अविनाश कुमार, प्रिया रंजन, शुभम कुमार, सोनू, नीरज कुमार, असलम राज, श्वेता रॉय, प्रदीप, गोपाल राम, नीतीश कुमार। तो इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार ने सराहनीय काम किया है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।